नमस्कार दोस्तों, जो व्यक्ति समझदार होता है वह खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 28 सितंबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वह कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी भी मिथुन राशि है, आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आज गुरुवार है, आज भगवान नारायण और साईनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण और ओम साईनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। आज की तिथि है चतुर्दशी। आज का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। सूर्योदय 6:12 AM, सूर्यास्त 6:11 PM। सूर्य राशि सूर्य कन्या राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:36 PM। आज का चाणक्य विचार। इंसानों की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गम के घने बादल छाए रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अच्छा और बुरा वक्त उसके कर्म पर निर्भर करता है। चाणक्य ने एक ऐसी चीज के बारे में जिक्र किया है जो व्यक्ति की समस्याओं की जड़ मानी जाती है, यहाँ तक कि गीता में भी इसका वर्णन है, जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस चीज का जितनी जल्दी त्याग कर दें उसमें ही भलाई है, ऐसा करने पर जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी। यस्य स्नेहो भयम् तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम्, स्नेह मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम्। अर्थात मोह है समस्याओं की जड़। चाणक्य कहते हैं कि मोह लगाव सभी प्रकार के दुखों का स्रोत है। मोह व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। मोह के जाल में फंसकर व्यक्ति अंधा हो जाता है और वह गलत की जानकारी होने पर भी अनिष्ट करने से खुद को नहीं रोक पाता, यही उसके दुख का कारण बढ़ता है। महाभारत में धृतराज को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से रोक नहीं सके और अंत में कुल का नाश हो गया। लक्ष्य से भटकाता है लगाव। मनुष्य जीवन में धन, रिश्ते, वासना आदि किसी भी चीज का अधिक लगाव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से भटका देता है और उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है, मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध व लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं, इन्हें त्याग देने में ही भलाई है। दोस्तों, यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। आपके लिए नौकरी धंधे के क्षेत्र में स्पर्धा युक्त रहेगा और उससे बाहर आने की कोशिश आप करते रहेंगे। आज आप अपने भविष्य और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जिज्ञासु रहेंगे और उचित लोगों के साथ परामर्श करेंगे। शरीर में थकान और आलस्य एवं मन में अशांति की अनुभूति होगी। आज पैसों के मामले में किसी से अनबन हो सकती है। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें आज का दिन बेहतर तरीके से जीने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपका मन लगा रहेगा और कोई साथी आपकी मदद करेगा। आज आप दिल से खुश नजर आएंगे और अपने प्रेम जीवन को और भी खुशनुमा बना पाएंगे और अपने प्रिय के साथ सुख भरे पल भी साझा करेंगे। आज उन्हें कोई तोहफा भी दे सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अब आपके जीवन साथी को आज कोई अच्छा समाचार मिल सकता है जिससे आपके घर में खुशी आएगी। कुछ लोगों को संतान संबंधी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं कार्यक्षेत्र में आज आपका मन थोड़ा कम लगेगा लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों को आज अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। आज आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सातवीं यात्रा सुखद रहेगी। संतान पक्ष से सुख की अनुभूति हो सकती है जिससे आपकी खुशियों में इजाफा होगा। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है जिसे पूरा करने पर फायदा होगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। शादीशुदा लोग आज अपने वैवाहिक जीवन का खुलकर मजा ले सकते हैं। घर में मां या अन्य बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप चिंतित हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप संतुष्ट रहेंगे। आज कामकाज की कुछ अधिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। कोशिशें आपको ही करनी होंगी। इसके अलावा आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको नौकरी के लिए जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आज शारीरिक रूप से आपका दिन कमजोर है। आपको सर्दी खांसी की शिकायत परेशान कर सकती है। हालांकि कुछ नया सीखने में आपको आज सफलता मिलेगी और अपने ज्ञान को आप बढ़ा पाएंगे। संतान से आपका जो संवाद है वो सुधरेगा और आपको अपनेपन की प्राप्ति होगी। आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जिससे आप खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन थोड़ा कमजोर है लेकिन शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है। अपने विरोधियों से आज आप थोड़े सावधान रहें और किसी से व्यर्थ में विवाद ना करें। घर के लिए कुछ सामान आज आप खरीद कर ला सकते हैं। आज व्यापार में आपको अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा।
ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे। नौकरी या बिजनेस में आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, जीवन में दूसरों का सहयोग मिलता रहेगा। आज परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश रहेगी। मन चाहे कामों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ लोग आज आपको कॉपी कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, लेकिन आपको पेट से संबंधित बीमारियों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्रियजनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से भाग्योन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। आज के दिन की शुरुआत कमजोर रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा और उससे आप सभी कामों को बना पाएंगे। आज किसी यात्रा पर भी जाने के योग बनेंगे जो परिवार में नई खुशियां देगा। आपका दाम्पत्य जीवन आज बेहतर बनेगा और जीवन साथी से आपके संबंध सुधरेंगे। समाज में आज मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी से भी संबंध बेहतर बनेंगे, उनसे कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त काम के सिलसिले में आज आपको थोड़े परिश्रम से अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन्हें आज कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रिय को आपसे असंतोष हो सकता है। आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। अचानक से आपके घर पर कोई मित्र आ सकता है जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे जहां आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में उनकी सहायता करेंगे। अगर आप कोई नया काम करने की सोचेंगे तो शिवलिंग का दर्शन करके ही ये काम सोचें, आपके काम बनते नजर आएंगे। आज आप कामकाज के मोर्चे पर कुछ मुश्किलों का सामना करेंगे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। काम से संबंधित यात्रा अमल में आ सकती है जिससे आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। चोट चोरी आदि से आपको हानि संभव है। जोखिम ना लें। कोर्ट व कचहरी के कार्यों की रुकावट किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से दूर होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। करियर में आपकी उम्मीदें और संभावनाएं अच्छी होंगी। संबंधों में मधुरता आएगी। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और त्योहारी सीजन में आप पारिवारिक जीवन में भी खुश नजर आएंगे। जहां आपके ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी और आपके काम की प्रशंसा होगी, वहीं आपका जीवन साथी भी आपसे खुश दिखेगा और आपको खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उन्हें आज के दिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रॉपर्टी के काम में आज आपको अच्छा फायदा हो सकता है और आप धार्मिक कामों में भी खर्च करेंगे। आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन आ सकता है, वहां जाकर आप एंजॉय भी करेंगे। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। गाय के चरण स्पर्श करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो अब आपके जीवन साथी को आज कोई अच्छा समाचार प्राप्त होगा जिससे आपके घर में खुशियों का भी आगमन होगा। मित्रों, आज आपका शुभ अंक है 2। शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय, दिन के किसी एक भोजन में नमक ना खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे होंगे। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।